हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू देसी बुकर नंबर वन चैनल। और बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मुक बैंगिंग का वीडियो लेके आया हूँ। ज़्यादा नहीं, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है। फिर उसके बाद आपको इसी तरीके की वीडियो हम लेके आते रहेंगे और देखते हैं क्या आपका रिस्पॉन्स रहता है फ्रेंड। तो आज क्या क्या चीज़ें हैं वो पहले हम डिसाइड कर लेते हैं। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है रगड़ा, ये है गोलगप्पे, और ये गोलगप्पे का पानी, और ये है सांभर, ये सांभर है, और फिर उसके बाद ये चावल, ये मसाला डोसा। और इसमें मैं आपको दूसरी साइड से दिखा देता हूँ, इसमें हमारी चटनी है अलग अलग तरीके की। यहाँ पे है रेड, यहाँ पे है रेड सॉस, और यहाँ पे वाइट सॉस, और ये चावल है, और ये हमारा मसाला डोसा है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो पहली बाइट में स्टार्ट करना चाहूँगा, पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मसाला डोसा कैसा है। फर्स्ट टाइम मैं भी ट्राई कर रहा हूँ मसाला डोसा, क्योंकि साउथ इंडियन फूड मेरे लिए न्यू है। तो टेस्ट करके देखते हैं फ्रेंड्स। ये लाल चटनी मैंने लगाई इस पर, और टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, मेरे को ठीक लगा। और फ्रेंड्स देखते हैं कि इसको हम कितनी जल्दी खत्म कर पाते हैं। ये देखिए पूरा बैटर है, इसमें आलू का मसाला डोसा है। ये इसको व्हाइट सॉस के साथ भी ट्राई करके देखते हैं। और सांभर देखते हैं कैसा है सांभर। मैं आपके सामने चावल पे डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए सांभर ऑसम है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। थोड़ा गोलगप्पा खा के देखते हैं फ्रेंड्स। ये गोलगप्पा हो गया, ये हमने इसमें रगड़ा डाला। अब इसकी एक आती रेड सॉस भी डालते हैं, और इसमें हम पानी में डालते हैं तीखा है और मस्त है। देखते हैं फ्रेंड्स खा के कैसा लगता है, आप भी चेक कर सकते हैं। पूरा देसी तरीके से फ्रेंड्स, कोई भी इसमें ऐसा नहीं कि कोई लग रहा हो कि कुछ एडिटिंग किया हो, पूरा का पूरा देसी तरीके से जो भी है नॉर्मल है।
वाइट वाली सॉस भी अच्छी लगी मेरे को, ज़्यादातर रेड वाली सॉस अच्छी लग रही है। आप भी कभी मसाला डोसा खाते हैं तो बताइएगा आपको रेड वाली सॉस अच्छी लगती है वाइट वाली सॉस अच्छी लगती है। ये देखिए और आप कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और जो भी आपको नई वीडियो चाहिए, किस टाइप की चाहिए, अच्छी लग रही है, गंदी लग रही है, अरे एटलीस्ट गंदी लग रही है वो भी तो बताओ। अभी राइस बचा हुआ है हमारे पास, देखिए फ्रेंड्स काफी सारा राइस है पूरा एकदम, काफी काफी राइस है। और ये दो गोलगप्पे बचे हुए हैं, इसमें रगड़ा डाल के इसको भी फिनिश कर देते हैं ताकि चावल पे मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकूं। ये चटनी भी इसकी काफी अच्छी है, देखिए फ्रेंड्स मेरे को तो रेड वाली चटनी के साथ अच्छा लगता है। ये देखिए पूरा लाल लाल हो गया है ये गोलगप्पे का हरा पानी। सांभर ये रगड़ा इसी में डाल दिया मैंने चावल में, ये लाल मिर्ची पसंद नहीं है मेरे को, हम भी चावल खाते हैं। कैसा लग रहा है फ्रेंड बताइएगा जरूर, ये मैं हटा देता हूँ। ये थोड़ा और सांभर डाल देता हूँ मैं पूरे में। काफ़ी अच्छा लग रहा है सांभर के साथ राइस। तो आज के डिशेस में हमारे पास क्या क्या था, सांभर राइस और गोलगप्पे और बताइए बताइए कमेंट कीजिए, और था मसाला डोसा और आप किस तरीके की नई वीडियो चाहते हैं मुझसे वो भी बताइए।
चावल बहुत ज़्यादा है। ये करी पत्ता काफी टेस्ट आता है इससे। देखिए फ्रेंड्स, ये पानी भी मैं पी के दिखाऊंगा आपको, कुछ छोड़ूंगा नहीं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, सांभर के साथ बता नहीं सकता मैं आपको। अगर आप नॉर्मल सब्जी के साथ खाते हो तो उतना टेस्ट नहीं आता है। क्या चीज़ें बुरी लग रही है वो भी बताइए फ्रेंड्स। और अभी मेरे इनिशियल डेज है तो आप बताएंगे तो मैं इम्प्रूव कर लूँगा। और देखिए ये गोलगप्पे का पानी, नहीं ये भी पी के खाऊंगा मैं आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समाप्त होते हैं हमारी वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा फ्रेंड्स, लाइक कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फ्रेंड्स आते हैं आप, सब्सक्राइब करके नहीं जाते, सब्सक्राइब भी कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स।